हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें। दोस्तों, अगर जो आप पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं या दोस्तों आप कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन करवाए हैं, तो कैसे अपना स्टेटस जानेंगे कि आपका पेंशन जो कि बन गया है या अभी तक नहीं बना है, या दोस्तों आपका पेंशन कहाँ तक जो कि पहुँचा है, कैसे अपना स्टेटस जो कि जानेंगे, इस वीडियो में कम्प्लीट मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आप जो कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर लैपटॉप से घर बैठे अपना स्टेटस जो कि चेक कर पाएंगे, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं यहाँ पे ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना ओटीपी के, बिना मोबाइल नंबर के, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना स्टेटस जो कि चेक कर पाएंगे कि आपका पेंशन जो कि बन गया है या नहीं बना है। अगर दोस्तों आपका पेंशन बन गया है तो आपके खाते में कितना पैसा आया है, यह भी जो कि यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे चलता हूँ, वहाँ पे कंप्लीट में आप सभी को दिखाता हूँ स्टेटस चेक करके, यहाँ पे बिना मोबाइल नंबर के, बिना ओटीपी के, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, कैसे आप सभी जो कि चेक करेंगे। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन अपना पेंशन करवाए हैं, अगर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, तो भी दोस्तों यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि पता कर पाएंगे। इस पे मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, किस तरह से आप सभी जो कि अपना जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे अपने बैंक अकाउंट से या अपने आधार नंबर से। तो इस वीडियो का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि है, जाइए उस वीडियो को देखकर। अगर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो आप जो कि इस वीडियो को देखकर आप सभी जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि पता कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो चलिए किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से आप सभी जो कि अपना स्टेटस चेक करेंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर चलता हूँ। जैसे दोस्तों आप सभी जो देख रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे आ चुका हूं, और इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन पे आएंगे और यहां से क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। चलिए, मैं यहां पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं। जैसे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, तो सर्च में जो कि यहां पे टाइप करेंगे, जो यहाँ पर यूपी का यहाँ पर ऑफिशियल लिंक है, सामाजिक पेंशन योजना, वह लिंक जो कि यहाँ पर टाइप करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, या दोस्तों मेरे पास जो कि पेस्ट करनी है, इस तरह से जो कि यहाँ पेस्ट करके ओपन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यह लिंक जो कि ओपन हो चुकी है, जो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल लिंक है, सामाजिक पेंशन योजना, जो यहाँ पे आप सभी जो देख रहे हैं, इस तरह का लिंक जो कि ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यह लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो इसी वाले पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कीम यहाँ पे चुने, तो चलिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कीम चुने, तो यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका पेंशन जो भी है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, तो वृद्धावस्था पेंशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर जो यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन है, तो निराश्रित महिला पेंशन अपना सेलेक्ट करेंगे, यानी कि विधवा महिला पेंशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, अगर जो आपका विकलांग पेंशन है, तो विकलांग पेंशन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए, मैं वृद्धावस्था पेंशन यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ स्टेटस, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन जो कि यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद जो कि जनपद चुने, तो यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे दोबारा, और यहाँ पर जो भी आपका जनपद, यहां से इस तरह का लिस्ट जो कि आ जाएगी, यहां से अपना जनपद सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, मैं कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनपद अपना जो कि सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो कि यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, वह रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जो कि इंटर करेंगे। चलिए, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इंटर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जो कि इंटर कर लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप इंटर कर लेंगे, तो यह कैप्चा आप देख रहे हैं, कैप्चा यहाँ पर भरेंगे। चलिए, कैप्चा यहाँ पर भर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा अपना जो कि भर लिए, उसके बाद जो कि सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सभी जो कि सर्च पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सर्च जो कि हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो कि यहाँ पे होगा, तो अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, तो सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह पेज जो कि ओपन हो चुका है, जो पीडीएफ आपका है पेंशन का, जो ऑनलाइन आवेदन किए थे, वह इस तरह का आपका पीडीएफ कंप्लीट जो कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अपना डिटेल जो कि सबसे पहले चेक कर लीजिएगा अपना डिटेल, और यहाँ पर जो भी आवेदक है उनका फोटो यहाँ पर दिखेगा, और इस तरह का जो कि उनका डिटेल यहाँ पर दिखेगा, बैंक अकाउंट नंबर, आय प्रमाण पत्र का जो भी डिटेल है यहाँ पे दिखेगा, जो भी यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर कम्प्लीट आप जो कि कन्फर्म कर लीजिएगा। करने के बाद जो कि सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि लेवल वन, लेवल वन में दोस्तों आपने यहाँ पे एप्लीकेशन जो कि सबमिट अपना जो कि कर दिए। लेवल टू में दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह वीडियो ऑफिस एसडीएम ऑफिस में कोई भी यहाँ पे अभी तक दोस्तों यहाँ पे जो कि इसका जो कि वेरीफाई नहीं किया गया है। अगर जो दोस्तों वेरीफाई किया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कि दिया जाएगा कि यहाँ से वेरीफाई आपका वीडियो ऑफिस से, यानी कि एसडीएम ऑफिस से आपका वेरीफाई हो चुका है। तो अभी दोस्तों ये आपका जो फॉर्म है,
दोस्तों आपके ब्लॉक में ही है, यहाँ पे वेरीफाई जो कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का जो कि दिखेगा। अगर वेरीफाई जाएगा तो स्टेप टू यहाँ पे कंप्लीट होगा वेरीफाई, उसके बाद जो कि स्टेप थ्री यहाँ पे जो कि अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद जो कि स्टेप जो फोर में यहाँ पे दोस्तों जो कि आपका पेंशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि पेंशन इस तरह की जो कि यहाँ पे बनेगा, ये आप जो कि देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आवेदक को कोई आवेदक को भुगतान का विवरण, तो यहाँ पे भुगतान का विवरण जो कि देख पाएंगे। अगर जो पेंशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो दोस्तों जो भी पैसा रहेगा यहाँ पे जो कि दिखेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो कि स्टेटस अपना जो कि चेक कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं विधवा महिला पेंशन का जो स्टेटस है वहाँ उसको भी मैं चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो कि यहाँ पे विकलांग पेंशन भी मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए जो कि बैक चलते हैं, और तो यहाँ पर विधवा महिला पेंशन का भी स्टेटस मैं चेक करके मैं दिखाता हूँ। इस तरह से बारी बारी मैं यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो कि विकलांग पेंशन, इस तरह से मैं आपको चेक करके स्टेटस दिखाऊँगा। तो इस वीडियो में आप सभी जो कि बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो कि बैक यहाँ पे अपने पेज पे आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ पे सबसे पहले जो कि अपना स्कीम जो कि यहाँ पे सेलेक्ट मैं करूँगा, तो स्कीम चुने यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे निराश्रित महिला पेंशन जैसे कि विधवा महिला पेंशन इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो कि जनपद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, जो भी जनपद है, चलिए जनपद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो देख रहे हैं रजिस्टर नंबर, दोस्तों यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि भरेंगे। भरने के बाद जो कि एक कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा भर के सर्च पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जो कि यहाँ पे भर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आवेदक का यहाँ पे जो कि भर दिए हैं। भरने के बाद जो कि कैप्चा देख रहे हैं, चलिए कैप्चा भी भर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैप्चा भी भर दिए। अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। सर्च होने के बाद देखिए दोस्तों ये पेंशन जो कि यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इस तरह का पेंशन का सबसे पहले अपना डिटेल जो कि यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, आवेदक का फोटो, आवेदक का जो भी यहाँ पे एड्रेस है, इस तरह से जो कि आप वेरीफाई कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट में नीचे जो कि यहाँ पे आप सभी जो देख पाएंगे, बैंक अकाउंट भी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद जो कि ऊपर आएंगे तो ऊपर देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे देख रहे हैं लेवल वन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट है। लेवल टू में भी दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि BDO ऑफिस यानी कि SDM ऑफिस से भी वेरीफाई जो कि यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ देख रहे हैं एप्लीकेशन जो कि लेवल थ्री में भी एप्लीकेशन जो कि अप्रूवल जो कि हो चुका है। और यहाँ लेवल फोर में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अप्रूवल जो कि हो चुका है, रीवेरीफिकेशन जो कि हो चुका है। और इनका देखिए पेंशन जो कि यह बन चुका है, पेंशन यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर इनके खाते में पैसा भी ट्रांसफर कर दिया गया है। जो प्रथम किस्त यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी बैंक का नाम है, यहाँ पर बैंक का नाम आप जो देख पाएंगे। और यहाँ पे बैंक अकाउंट का लास्ट का जो कि अकाउंट नंबर जो कि देख पाएंगे, कितना पैसा जो कि यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वो भी आप सभी जो कि देख पाएंगे। देखिए 3000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, और यह किस तारीख को ट्रांसफर हुआ है ये भी आप जो कि देख पाएंगे। तो इस तरह से आप सभी जो कि चेक कर पाएंगे। और दोस्तों आपका पेंशन जो कि बन गया है, तो यहाँ पे आप जो कि बिल्कुल जो कि स्टेप बाय स्टेप आप जो कि चेक कर पाएंगे, आपके खाते में पैसा जो कि आ रहा है वो भी आप सभी जो कि चेक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप बैक चलते हैं। अब यहाँ पे मैं विकलांग पेंशन मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बैक आएंगे इसी वाले वेबसाइट पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि बैक आ चुके हैं, आ जाने के बाद जो कि यहाँ पे अपना स्कीम जो कि चुनेंगे, जो भी स्कीम है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं विकलांग पेंशन में चेक करके दिखाऊंगा, तो विकलांग पेंशन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो कि जनपद यहाँ पे जो कि सेलेक्ट करेंगे, जो भी जनपद है, चलिए जनपद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जनपद हमने जो कि सेलेक्ट कर दिए हैं। करने के बाद जो कि यहाँ पे रजिस्टर नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि इंटर करेंगे, चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आवेदक का इंटर कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि इंटर करनी है। इंटर करने के बाद जो कि ये आप देख रहे हैं कैप्चा, चलिए कैप्चा पे यहाँ पे भर देते हैं। उसके बाद जो कि सर्च पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जो देख रहे हैं कि कैप्चा यहाँ पे जो कि भर दिए। अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यह जो कि आपका पेंशन का PDF फॉर्म जो कि यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल्स जो कि आ जाएगा, तो आप डिटेल जो कि वेरीफाई कर लीजिएगा, आवेदक का फोटो, आवेदक का जो भी एड्रेस है, बैंक अकाउंट, इस तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह पेंशन का स्टेटस यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि आप देखें कि लेवल वन जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और लेवल टू यहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, जांच अभी तक नहीं हुआ। लेवल थ्री भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी जो कि जांच नहीं हुआ है। लेवल फोर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी जांच नहीं हुआ। लेवल फाइव तक यहाँ पे जो कि यहाँ पे वेरीफिकेशन होगा, जो यहाँ पे आप सभी जो देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका जो कि वेरीफाई जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अभी सिर्फ इनका ब्लॉक में ही या फार्म है या जो भी जिला पे फार्म जो कि है वहाँ से अभी तक कोई भी वेरीफाई नहीं हुआ है। अब दोस्तों जो कि बैक आएंगे, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जिनका रिजेक्ट हो गया है उनका दिखाऊंगा। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन एक जो कि रिजेक्ट हो चुका है, चलिए वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं इंटर करके दिखाता हूँ किस कारण जो कि रिजेक्ट हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि बैक आ चुके हैं, यहाँ पे स्कीम जो कि चुनेंगे, चलिए स्कीम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पे जनपद, चलिए जो भी जनपद है यहाँ पे जनपद जो है कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जनपद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे, कैप्चा भरेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा यहाँ पे भर देते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा भर दिए, आप सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक किया हूँ तो अभी जो कि यहाँ पे सर्च जो कि हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार आप सभी जो कि करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सर्च जो कि होने देते हैं। देखिए यहाँ पे सर्च जो कि हो चुका है। सर्च होने के बाद जो कि इस तरह से या जो कि पीडीएफ फॉर्म है जो आप सभी जो कि देख पाएंगे। और दोस्तों इस तरह से आप जो कि चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो कि यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, आप देख रहे हैं कि लेवल वन यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट है एप्लीकेशन फॉर्म, और लेवल टू में आप देखिए जो कि यहाँ पे रिजेक्ट जो कि कर दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो ऑफिस से जो कि रिजेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे देख रिजेक्ट बाई वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से जो कि ऑफिस से जो कि रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी जो देख रहे हैं कि किस कारण है इसको जो कि रिजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रीजन यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों या जो भी इनकम सर्टिफिकेट है इसमें कुछ भी गलत था, इसके कारण जो कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अगर जो रिजेक्ट रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा, पेंशन आपका कन्फर्म रहेगा, तो इस तरह से आप सभी जो देख पाएंगे कितना आपके खाते में पैसा आया है, वो भी आप सभी जो कि चेक कर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप जो कि यूपी का जो भी पेंशन योजना है इसका स्टेटस आप सभी जो कि अपने मोबाइल फ़ोन पे ही चेक कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पे क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन में अपने पेंशन का जो भी स्टेटस है आप जो कि चेक करिए। अगर दोस्तों आपका पेंशन हो गया है तो कितना आपके खाते में पैसा आया है वो भी आप सभी जो कि चेक कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।